सीधा रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां सब्सिडी वितरण समारोह में पहुंचे हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं आपको। सरकार ने जो हमारी गौशालाएं हैं उन गौशालाओं के लिए भी हमने अलग से योजना बना करके उन तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। हम ये भी देखते हैं क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो हमारे दूध उत्पादक हैं और कुछ हम देखते हैं कि बाजारों में सड़कों के ऊपर जो हमारी गौ माता बेसहारा गौ माता घूमती है, बहुत सारे इस प्रकार की बातें आती हैं कि भाई जब तक गाय दूध देती है तब तक तो घर में रहती है और जब दूध देना बंद कर देती है तो सड़क के ऊपर नजर आती है। तो इसके लिए भी क्योंकि आप सब लोग उस क्षेत्र से आते हैं और आप सब लोग उन लोगों को भी इस बात के लिए आप लोग उनको प्रोत्साहित भी कर सकते हैं कि सरकार इतनी योजनाओं के माध्यम से उन तक लाभ पहुंचा रही है और हमारी जो गौशालाएं हैं उन गौशालाओं के लिए भी हमने अलग इंसेंटिव देने का काम किया है ताकि कोई भी बेसारा गहू वो सड़क के ऊपर नजर ना आए, और हमने उसके लिए अलग से एक नीति योजना बनाई है। शीघ्र ही कोई भी बेसहारा पशु वो सड़क के ऊपर नजर नहीं आएगा, उसके लिए चाहे वो गौशाला है चाहे हमारी नंदीशाला है उनके अंदर उनको लाने का काम ये किया जाएगा और उन सब लोगों को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन भी किया जाएगा। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर, क्योंकि लगभग आज 15-15.5 करोड़ रुपया आप लोगों के खाते के अंदर सीधा यहां से बटन दबा है और वो पहुंचा है, अगर और भी कोई पैसा आप लोगों का कहीं रुका पड़ा है उसके लिए भी मैंने अधिकारियों को इस बात के लिए कहा है कि लगभग 10-15 दिन के अंदर वो सारा का सारा पैसा वो भी खातों के अंदर वो चला जाए। कोई भी व्यक्ति जिसको इसका लाभ मिला है और जो सरकार ने इंसेंटिव दिए हैं उसका लाभ वो हम तक पहुंचना चाहिए। आप सब लोग इस वर्ग के व्यक्ति बैठे हैं जो देश के प्रदेश के लोगों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। जब हम देखते हैं कि शहर के अंदर आप सब लोग जो दूध का उत्पादन करते हैं और सुबह सुबह जाकर के घर घर देने का काम करते हैं, एक ये भी बहुत बड़ा आप लोगों के लिए एक तपस्या का कार्य है और मैं इसके लिए सभी जो हमारे दूध ये पालक है इन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। और आज आप लोग यहां पर आए हैं क्योंकि विभिन्न योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। हम देख रहे हैं पिछले इन 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश की एक तस्वीर बदलने का काम इस सरकार ने किया है, चाहे हमारे रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, क्योंकि अगर हमारे रोड ठीक होंगे तो उसमें भी विकास की गति तेज होगी और हम सब भी जल्दी अपने काम को पूरा करते हुए समय की बचत होगी, समय की बचत होगी तो हम और गति से काम कर पाएंगे। मैं आप लोगों से आज ये आग्रह भी करना चाहूंगा कि सरकार ने पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके भाइयों डबल इंजन सरकार ने हरियाणा प्रदेश की एक नई तस्वीर बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज जब हम देखते हैं जिसकी मैंने चर्चा की है कि आज एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर 4 लाइनिंग रोड एक्सप्रेसवे उसको टच ना हो, ये सरकार ने लोगों के जीवन को सरल करने के लिए वो लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। और भी गरीब व्यक्तियों की चिंता हमारी सरकार ने की है। अभी पिछले दिनों तीज का महापर्व था और तीज के महापर्व के अवसर के ऊपर 49 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है कि उन परिवारों को सब्सिडी के ऊपर ये गैस का सिलेंडर मिले और उसकी सब्सिडी वो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी, ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और अभी पिछले दिनों एक और निर्णय हमारी सरकार ने किया है कि जो जिनकी परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है ऐसे परिवारों को भी
हमने हैप्पी कार्ड, हरियाणा परिवहन, हम परिवहन अंत्योदय परिवहन परिवार योजना के माध्यम से हमने उनको 1000 किलोमीटर का एक साल के अंदर वो बस में फ्री में सफर कर सके, वो भी कार्ड हमने देने का काम किया है, ताकि गरीब व्यक्ति को कोई सामान लेने के लिए बाजार जाना है, दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना है, या उसने कहीं अपनी रिश्तेदारी में जाना है, या कहीं धार्मिक स्थल के ऊपर घूमने के लिए जाना है, तो उसको कोई किराया ना लगे, उसके लिए भी लगभग ये 23 लाख परिवार और 84 लाख लोग हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिनको हमने 1000 किलोमीटर की ये सुविधा दी है। और हमने ये भी निर्णय किया है पिछले दिनों कि जो हमारे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे परिवारों को हमने सरचार्ज से मुक्त किया है, और सरचार्ज मुक्त करके जितना यूनिट वो खर्च करेगा उतने यूनिट का ही बिल उसका आएगा, बाकी उसका कोई बिल नहीं आएगा। अगर वो परिवार कहीं घूमने के लिए जाता है और घूमने के लिए जाता है, एक भी यूनिट खर्च नहीं करता, तो उसका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। ये भी योजना हमने अभी पिछले दिनों लॉन्च की है। हमने एक और योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जो योजना ये 23-22 जनवरी को अयोध्या में उन्होंने संकल्प लेकर के कहा था कि जो हमारे गरीब परिवार हैं, जिनकी 1,80,000 रुपए से कम इनकम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर हम एक सोलर पैनल लगाने का काम करेंगे, और उस सोलर पैनल के माध्यम से 60,000 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी और 40,000 रुपए की सब्सिडी प्रदेश सरकार देगी, उसके ऊपर 1,00,000 रुपए का खर्चा है, और फ्री में वो व्यक्ति के घर के ऊपर वो सोलर पैनल लगेगा, और जब वो सोलर पैनल लगेगा तो उसका बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा, उसको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। ये हमारी सरकार ने अभी उसका कल ही मैं कैथल से इसका शुभारंभ करने वाला हूँ, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था, और रजिस्ट्रेशन के बाद हम इस योजना का शुभारंभ कल कैथल से कर रहे हैं, और कैथल के अंदर ये कल से लगना छतों के ऊपर शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने सोलर के ऊपर जो हमारे किसानों के पंप थे, आप लोग देखते भी हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनको भी सोलर के ऊपर करके हमने बिजली की उनका बिल ना आए, बिजली का बिल जीरो हो, और चाहे 5 HP की मोटर थी या 10 HP की मोटर थी, उसको भी हमने सोलर के ऊपर करके किसानों को लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने, चाहे गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 30-30 गज के प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने शहरों के अंदर किया है। ऐसे प्रथम चरण के अंदर हमने सबसे पहले पीछे मैंने कार्यक्रम किया था रोहतक के अंदर, और उस कार्यक्रम के अंदर 15,420 लोगों को हमने ये 30-30 गज के प्लाट के जो उनको पत्थर है वो सौंपने का काम हमने किया था। और अभी हमने यदि भी निर्णय किया है कि हमारी सरकार जो गांव के अंदर जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको 100 गज का प्लाट, और जो व्यक्ति महाग्राम के अंदर रहता है, बड़े गांव के अंदर रहता है, उसको 50 गज का प्लाट, उसके लिए भी हमने एक रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है, और लोग उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐसे लोगों को हम 100 गज का प्लाट और 50 गज का प्लाट भी शीघ्र ही देने का काम करेंगे, ताकि वो अपना मकान बना सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है कि उसके माध्यम से हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 50,000 लोगों को हमने मकान बना करके दिए हैं, और 15,000 ऐसे लोग हैं जिनको हम शीघ्र ही चाबियां सौंपने वाले हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। और आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि यहाँ एक भी सर ऐसा न रहे जिसके ऊपर छत ना हो, हमारी सरकार उनको मकान बना करके देने का कार्य करेगी। भाइयों, आज सब यहाँ पर मुझे खुशी है कि हमारे जो दूध उत्पादक
आज सभी यहाँ पर पधारे हैं। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी आने वाले समय के अंदर ये हरियाणा के अंदर भी चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, और उससे पहले आप लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो केंद्र के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 1962 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार उनको तीसरी बार इस देश का प्रधान सेवक बनाने का काम ये आप लोगों ने किया है, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। और आप लोगों को मैं ये भी आग्रह करूंगा कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आप सब लोग बहुत लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं, आप उनसे बातचीत भी करते हैं, मिलते हैं, और आप लोग मजबूती से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि हमने 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सब की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो, और हम सब भी मिलकर के उनको मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से अपील करता हूं। आज आप लोग यहां पर पधारे हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हुआ आपको, आप यहां संत कबीर कुटीर के अंदर पधारे हैं, मैं पुनः आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चाय चूहे की व्यवस्था होगी, चाय पी लिया। ये एक बार इसके ऊपर विचार करने का विषय है, क्योंकि आजकल अगर आप लोग देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट पैसा खाते के अंदर ही जा रहा है डीबीटी के माध्यम से, और वो इसलिए जा रहा है अगर कहीं भी इसके अंदर हमने कोई लूज छोड़ दिया तो दिक्कत नीचे लोगों को आ जाएगी। तो किसी को दिक्कत ना आए आप लोग लिख करके भेजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, उसका पैसा तुरंत उसके खाते के अंदर जाएगा। मैंने आज इसीलिए आप लोगों को बुलाया, अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है लिख करके दे दीजिए, उसका सुधार तुरंत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आप सब लोगों को। और मैं अपील करता हूं, हमारी मातृशक्ति बैठी है यहां पर इस समिति के माध्यम से, आप इसको जितना मर्जी आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनको हमने ये सुविधा दी है इस कोऑपरेटिव के माध्यम से, सरकार आपको लगातार सहयोग करती रहेगी, आप इसको जितना भी बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, ये आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। आज आप अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं, परंतु इसी सोसाइटी के माध्यम से आप लाखों परिवारों का भी गुजारा करवा सकती हैं, इतना आप इसको आगे बढ़ा सकती हैं, और सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आने देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई बात कुछ ऐसा लग रहा है लिख करके दे दें, मैं लूंगा, और फिर उसके अंदर जो भी बात होगी उसको पर विचार करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।